ये हाल चाल भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नई कार लेके हम आ चुके हैं, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कौन सी कार है, लेकिन पहले मैं आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ जय श्री राम। अभी रामनवमी गई है तो उस पर वीडियो हमने बनाया नहीं था, और फिर रामनवमी के बाद ये पहली वीडियो आ रही है, तो जय श्री राम कॉमेंट में बता दीजिएगा अपने भाई को। और सबसे पहले कार की चाबी देख लीजिए कौन सी कार है। देखिए टाटा की कार है, ऐसी कुछ चाबी है, लॉक अनलॉक कुछ नहीं आता था, बेस मॉडल लगता है मेरे को तो। और देख लीजिए दुबई वाला किचन भाई ने लगाया हुआ है। टाटा की कार है, टाटा की कौन सी कार है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए पहले इसकी चाबी देख लीजिए, प्रॉपर नॉर्मल है, और ये टाटा का भद्दा सा लोगो देख लीजिए, कुछ ऐसा इसका की है। और अभी मैं आपको कार दिखाने जाता हूँ, बहुत पुरानी कार है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कौन सी कार है, देख लीजिए ये टाटा की कार है। आपको इसके फ्रंट लुक से आपको दिख रहा है तो आपको पता लग रहा होगा कौन सी कार है। देख लीजिए पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसी इसको देखने में है। 2011 का एंड का मॉडल है, देख लीजिए पूरा इसका ओवरव्यू मैं पहले दिखा देता हूँ। टाटा का विस्टा की बेजिंग लगी हुई है, और दूसरी बेजिंग आती है वो सब तो निकल गई है। 2011 और 2023 चल रहा है, मतलब 10, 11 और 12 साल हो गए इस गाड़ी को, अब तो बेजिंग हटनी ही चाहिए। देख लीजिए विस्टा की बेजिंग फिर भी है, टाटा का लोगो है, वाइपर है, और ऐसा कुछ इसकी कंडीशन है। देख लीजिए यहीं पे भी, ये इतनी पुरानी कार में रंग लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई जंग नहीं लगा है। देख लीजिए प्रॉपर कंडीशन में है, लेकिन अंदर से थोड़ी कंडीशन खराब है, देख लीजिए पूरा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसी इसकी कंडीशन अंदर से है, इंजन पावर किया है, वो सब इस वीडियो में हम ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। कितना टायर है, कितना इंजन है, और क्या क्या फीचर देती थी टाटा विस्टा। ये इंडिका का फेसलिफ्ट ही है एक तरह से, इंडिका जो पैसेंजर कार आती थी 1988 में इंडिका विस्टा टाटा वाला ने लॉन्च की थी, और उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था, फिर उसने फेसलिफ्ट वर्जन बाहर पाड़ा था और इसको बहुत ही प्यार दिया था। और इसमें इंजन कौन सा आता है, क्या क्या आता है, मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में, फ्रंट में इसमें क्या क्या दिया जाता है, फ्रंट लुक एट्रेक्टिव कितना है वो सब मैं आपको दिखाने जाता हूँ। पहले हम बात करते हैं हेडलैम्प के बारे में, देख लीजिए यहाँ पे 3 पोस्टर में हेडलाइट दिया गया है, इंडिकेटर, हाई बीम और लो बीम, और यहाँ पे जो पार्किंग लैंप आता है वो सब इग्निशन चालू करते तब होता है, वो 4 पोस्टर है टोटली हेडलाइट में, देख लीजिए दूसरी टाइप भी। और ये हेडलाइट बहुत बड़ी, फ्रंट लुक में सबसे अट्रैक्टिव चीज लगने वाली वो हेडलाइट है। फिर आता है देख लीजिए यहाँ पे क्रोम ग्रिल आती है, और टाटा का लोगो आता है जो बहुत ही पुराना हो चुका है और इसको बदलने की जरूरत है। फोग लैंप के बारे में हम बात करते हैं तो फोग लैंप की प्लेसमेंट यहाँ पे है, देख लीजिए एलोजन फोग लैंप भाई ने लगाए हुए है, और इसमें क्रोम कवर भी दिया गया है जो गाड़ी का लुक को इनहेंस करता है। बम्पर में भी बम्पर गार्ड क्रोम कलर के लगाए हुए है, देख लीजिए कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक है। 2 वाइपर दिए गए है, ओवरवीएम देख लीजिए, ओवरवीएम मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक है। और अब बात करते हैं साइड लुक के बारे में, साइड लुक में क्या क्या दिया जाता है और कितना इसका लुक को इनहेंस करता है। सबसे पहले टायर के बारे में बात करते हैं, 14 इंच का टायर दिया गया है, टायर साइज में आपको दिखा देता हूँ, 175/65 का टायर है और 14 इंच का इसका टायर है, देख लीजिए। और ये यहाँ पे टाटा की व्हील कैप लगी हुई है, साइड में क्रोम पट्टे भी लगाए हुए है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये क्रोम डोर गार्ड भी बोलते हैं इसको, देख लीजिए वो भी क्रोम है, क्रोम गार्निश लगाई हुई है। बी पिलर और सी पिलर ब्लैक करे गए है, और ओआरवीएम बॉडी कलर के साथ मैच किया गया है, देख लीजिए। इंडिकेटर की प्लेसमेंट कहाँ की गई है, इसका मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं होता है, यहाँ पे कौन देखेगा। अब बात करते हैं पीछे के साइड, देख लीजिए यहाँ पे सब ऐसा कुछ लुक आ रहा है। डीजल का फ्यूल का कैप दिया गया है, और ये पूरी विस्टा डीजल कार है, देख लीजिए। पीछे के बारे में हम बात करते हैं, और टेल लैंप बात करते हैं, टेल लैंप देख लीजिए कितनी बड़ी है, मैं आपको माप के दिखाता हूँ, 2, 3, 4, 5 पांच वेद जितनी इसकी टेल लैंप है, बहुत ही ज्यादा लंबी है मेरे ख्याल से तो। और यहाँ पे देख लीजिए ग्लोसी ब्लैक में पैनल दिया गया है, रियर वाइपर दिया गया है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ की गई है, और उस टाइम में भी 2011 में भी रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट दिया जाता था, देख लीजिए रिफ्लेक्टर तो अभी आए है, लेकिन 2011 से इसकी यहाँ पे बम्प प्लेस कर सकते उसकी जगह दी जाती है, देख लीजिए। विस्टा की बेजिंग है यहाँ पे, और टाटा की बेजिंग तो हट गई है, सेफ्टी लिखा हुआ है। तो इसका बैक से लुक तो ऐसा आ रहा है, देख लीजिए ये इंडिका से इंस्पायरी है, ये लाइट पूरी इंडिका का फेसलिफ्ट वर्जन ही आपको मान लीजिएगा। और यहाँ पे भी साइड के बारे में तो वही सेम है। अभी मैं बात करते हैं इंजन के बारे में, आपको इंजन अभी दिखा देता हूँ। करते हैं कि इसके इंजन के बारे में, तो इंजन में कितने सीसी का इंजन आता था, यहाँ पे 1248 बता रहे है, मतलब
1.3 लीटर का इंजन है और ये डीजल इंजन है, पेट्रोल में आती थी और चार सिलेंडर के साथ ये आती है और ये इंजन पिप का इंजन और फियाट का इंजन ही लगाया जाता था इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंजन का लुक ऐसा है और नीट एंड क्लीन तो नहीं है पर 11 साल पुरानी कार है तो इतना तो बनता। और यहाँ पे देख लीजिए इंजन नॉइस कम करने के लिए यहाँ पे सब कुछ उसने प्रोवाइड किया गया है टाटा वालों ने। बिल्ड क्वालिटी टाटा की बात करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त अभी भी आती है और पहले भी आती थी। तो अब बात करते हैं हम इसके इंटीरियर के बारे में कि क्या क्या इंटीरियर है और फिर हम बात करेंगे बूट स्पेस के बारे में और फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कार कितनी चली हुई है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है टाटा विस्टा और यहाँ पे खड़ी हुई है इंडिका। देख लीजिए जूम करता हूँ, ये इंडिका है और इसकी टेल लैंप और टाटा विस्टा की टेल लैंप बहुत ही सेम ही है। देख लीजिए इतना डिफरेंस आता है, दोनों कार हम साथ में दिखा देते हैं, देख लीजिए। बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, सबसे पहले ये डोर देख लीजिए, यहाँ पे डोर में क्या क्या दिया गया है और डोर पैनल कितना शानदार है। देख लीजिए ब्लैक और क्रीम के कॉम्बिनेशन में ये सब कुछ बनाया हुआ है, गंदगी दिखे तो आप इग्नोर करना। और ये देख लीजिए ओवर व्यू में एडजस्ट करने का यहाँ पे दिया गया है और चारों विंडो पावर विंडो है। देख लीजिए पैनल का ओवर व्यू और यहाँ पे स्पीकर के प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, देख लीजिए। और मैं इसका साउंड सिस्टम भी आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का साउंड सिस्टम कैसा आता है। और अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील के बारे में और इंटीरियर में, पहले गाड़ी लॉक कर देते हैं, धूप ज्यादा है। तो यहाँ पे हम स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं, स्टेयरिंग व्हील जितना बड़ा है उससे बड़ा तो यहाँ पे लोगो है टाटा का, देख लीजिए कुछ इतना बड़ा लोगो आता है। स्टेयरिंग व्हील गाड़ी के मुकाबले बहुत ही बड़ा बड़ा लगता है और इसका आप मान लो कि ट्रक का स्टेयरिंग व्हील है ये। और यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ दिया गया है, फंक्शन के बारे में तो पूरी टाटा विस्टा कंप्लीट है, उसमें बहुत ही भर भर के फंक्शन दिए जाते हैं। देख लीजिए ये कॉल कट करने का यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम प्लस माइनस का दिया गया है, ये रिसीव करने का, यहाँ पे सब चेंज कर सकते हैं। सॉन्ग के बारे में देख लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसल्ट कितना अच्छा दिया गया है। मेरे ख्याल से ये वाला जो यहाँ पे स्पीडोमीटर है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और वो मेरे ख्याल से 2012 या 30 के मॉडल में यहाँ पे आता है, 2011 का एंड है। तो इसका देख लीजिए एसी का पोस्टर कुछ इस तरह है, यहाँ पे दो वहाँ पे एक और यहाँ पे एक दिया जाता है। इसका कुछ स्टीरियो यहाँ पे ऐसा दिया गया है, फंक्शन के बारे में देख लीजिए यहाँ पे कुछ एसी का यहाँ पे ऐसे घूमता है और ये यहाँ से अप डाउन करने से ये चालू बंद होता है। देख लीजिए कुछ ऐसा 2011 का मॉडल में भी इतना फंक्शन आता है, देख लीजिए। और लाइट के बारे में बात करते हैं, येलो लाइट यहाँ पे दी गई है, सनवाइजर की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है और उसमें मिरर देते हैं मेरे ख्याल से, देख लीजिए यहाँ पे मिरर भी प्रोवाइड किया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए 5 स्पीड गियर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, कप होल्डर दिए जाते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट चार्जिंग दिया जाता है, यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हैं। देख लीजिए इसका सेंटर कंसोल ऐसा है, कुछ आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता है, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट भी यहाँ पे। हम टाटा विस्टा की अब दिखा देता हूँ बूट स्पेस, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से ये ओपन होता है, हमने ओपन कर दिया है, दिखा देता हूँ बूट स्पेस। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ बूट स्पेस है, यहाँ पे सब गाड़ी हम काम में चला रहे हैं तो इसलिए सब गंदगी भरी हुई है, देख लीजिए सफाई की गई नहीं है। इतना बूट स्पेस है, आपका 2 या 3 बैग आराम से आ जा सकते हैं, इतना बूट स्पेस है। यहाँ पे स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, जैक यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी इसको बंद कर देते हैं। और कुछ ऐसा इसका बूट स्पेस था, अभी हम डिक्की बंद कर देते हैं और आगे बात करते हैं कि गाड़ी कितनी चली हुई है और कितनी इसकी कितने में अभी बिक रही है और कितने में भाई ने जब ली थी तब कितने में मिल रही थी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी टाटा विस्टा डीजल मॉडल है वो कितनी चली हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए मीटर में 100 हो रहा है, 70,623 पूरी चली हुई है, देख लीजिए इतना चल गई है, फिर भी इसका कोई इंजन काम नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। टाटा की परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर आती है सिर्फ इसका स्टेयरिंग व्हील छोड़ के, इसका बहुत ही भद्दा लग रहा है स्टेयरिंग व्हील और बाकी सब परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, इंजन वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज और फ्यूचर वाइज सब कुछ भर भर के दिया गया है। और थोड़ा सा इसको काम किया था यहाँ पे जी, ए मॉडल की कार जितनी सेल हुई थी उसमें कस्टमर के रिव्यू यही थे कि यहाँ पे जो दिया गया है स्पीडोमीटर वो यहाँ पे दिया जाए और इसमें आरपीएम मीटर भी ऐड किया जाए, तो वो टाटा ने पूरी की थी 2013-14 के मॉडल में जो टाटा विस्टा बाहर पड़ी थी, 2015 में तो डिसकंटिन्यू हो गई थी, वो एक साल ही चली हुई थी। यहाँ पे जो स्पीडोमीटर आता है आरपीएम मीटर आता है वो वाली टाटा विस्टा, ऐसा कुछ इसका ओवरव्यू था। तो यह था कुछ टाटा विस्टा का ओवरव्यू मैंने दे दिया है, सब कुछ आपको बता दिया गया है यहाँ पे इंटीरियर के बारे में, इंजन के बारे में, टायर साइज के बारे में, बॉडी लुक के बारे में, बूट स्पेस के बारे में, कितनी चली हुई है, कितने में आई थी, वो सब मैंने आपको बता दिया गया। जो भाई ने ये वाला मॉडल, भाई फर्स्ट ओनर है और कितने में भाई ने ली थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ने 8 साढ़े 8
8 लाख में ये गाड़ी परचेस की थी और ब्रांड न्यू कार हमने शोरूम से ली थी। अभी इसकी कीमत मार्केट वैल्यू में आपको बता रहता हूँ कि ये 11 साल बाद टाटा की मार्केट वैल्यू क्या है। टाटा की मार्केट वैल्यू अभी इसकी वैल्यू है 150-175 लाख तक आ जाता है। अभी इसकी रिसेंट वैल्यू है मैंने 8.5 लाख की ली थी। तो मैंने आपको सब कुछ जो इस कार के बारे में बता दिया गया है, चाबी भी दिखा दी है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना।